ये है वो 5 सड़क छाप फूड सेलर जिनका बर्ताव देखने में काफी घमंडी लगता है, जिनसे बात करना फूडी ब्लॉगर यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर 1 बाबा का ढाबा। इस बाबा की ऐठन देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। स्वाधु नाम के यूट्यूब चैनल वाले भाई ने इस बाबा की काफी हेल्प की थी। डोनेशन होगी, हम अगली वीडियो एक बार दोबारा बनाएंगे और जितनी भी डोनेशन होगी उस डोनेशन में इनकी हेल्प करेंगे। अंकल रोइए मत। और देश की जनता से इनकी हेल्प करने की अपील की थी। देश की जनता ने भी इस आंख फलाऊ बाबा की भर भर कर हेल्प की थी। लेकिन जब इस आंख फाड़ू बाबा के पास जेब फाड़ू पैसा आ गया तो बाबा ने स्वाधु भाई का ही गेम बजा डाला। गौरव ने हमारे कंधे बंदूक रख के चलाए हैं, जो पैसा है उनको बीवी उनके भाई गौरव के खाते में है। अच्छा, इस मुद्दे पर देश में काफी बवाल भी हुआ था। नेम फेम कमाने के बाद अब इनको कोई नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये बाबा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं। बाबा हमने तो आपकी बहुत वीडियो देखी है 5-6 साल पहले, पर आपने गलत देखा है। गलत देखे? हाँ गलत, लग रहा कोई और की देख लिया। बाबा तुम ही थे वो वीडियो में? तो मेरा भाई है वो। क्या बोला तूने? मेरा भाई है वो। अबे साले, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखने में आ रहा है कि बाबा का ढाबा वाले बाबा आजकल थोड़ा उलूल झुलूल भी बक रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे बाबा? इससे पहले क्या करते थे? गाने मरा रहता था। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लोटा, ये असली है ये लोटा। तुम बड़ा खुश हो रहे हो, खैर आजकल तो चलता है। नंबर 2 छंगानी क्लब कचौरी वाला भाई। इस बंदे का नाटक देखोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। अच्छा, माना कि इनकी कचौरी में जबरदस्त टेस्ट है, मगर इनसे बात करना एकदम वेस्ट है, क्योंकि जब भी कोई यूट्यूबर भाई इनका इंटरव्यू करने इनके पास जाता है तो छंगानी कचौरी वाले भाई का माथा ठिनक जाता है। नहीं, नहीं मानता। वो देख। बोलिए। सुअर बना देंगे, सुअर बच्चा को मार दीजिए। फिर हम जो बोल रहे हैं आप हाथ दीजिए, आप हाथ लगा दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जो बोलेगा हम करेंगे। लिख के बता मदर चोद, लिख के रहे बोल रहे भोजड़ी वाले आए। इसे देखने के बाद आपके इस फैक्टैक्स ब्रो की तरफ से सभी फूडी ब्लॉगर को फैक्टैक्स ब्रो का एक ही सुझाव है कि इस बंदे के पास बड़ा सोच समझ कर जाना। 100 आदमी आता है यूट्यूब वाला। अरे आप भी तो बोलते कि सब चुप, 12 बजे पहले कोई बात नहीं कीजिएगा। अरे हम भी तो बहुत दूर से, अंकल जी इधर थोड़ी ना है। बोलेगा तो भाग नहीं ऐसे। गजब बेइज्जती है। नंबर 3 बड़ा पाव वाली दीदी। इस दीदी का हर वक्त रोना धोना लगा ही रहता है। पुलिस वाले, MCD वाले, इन सबको बदनाम करने की अपार सफलता के बाद जब दीदी का फिर भी दिल नहीं भरा तो दीदी ने सीधा मोदी जी को ही लपेटे में ले लिया। नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पटरी वालों के लिए इतनी सारी चीजें कर रखी है। दिल्ली में हर जगह पटरी पे कार्ड लगी है। मेरी कार्ड से दिक्कत। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, मैं जब ये बोल रहा हूँ ना दीदी, ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ ये गुस्सा करने वाली क्या चीज है? क्या मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मोदी जी तो खैर कभी कभी लपेटे में आते हैं, लेकिन हम यूट्यूबर्स तो हर रोज इस मैडम के नखरे उठाते हैं। जैसे कि ये देखो, पहले दे रही हमको नहीं दे रही है, इसका कुछ फंडा है। ये चीजें हो जाएंगी, पहले कस्टमर को दे दूं, आपको दे दूंगी सर। आपको तो वीडियो बनाना है ना सर। क्या आपने नोटिस किया कि मैडम के गले में कितने यूट्यूबर्स के माइकों की माला पड़ी है? बस मैडम को इसी का घमंड है, क्योंकि मैडम वड़ा पाव कम और इंटरव्यू ज्यादा बेचती है, इसलिए मैडम यहाँ बेचारे एक यूट्यूबर्स का माइक ही निकाल देती है। कौन सा वाला? नुकसान हो जाएगा आपकी वजह से, सबको नुकसान हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। नंबर 4 मनोज भाई की साइकिल वाली थाली। लॉकडाउन से लेकर आज तक मनोज भाई लोगों को काफी सस्ता और घर जैसा खाना खिला रहे हैं। और इतना ही नहीं, मनोज भाई के पास अगर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए जिसके पास पैसे ना हो तो मनोज भाई उसे फ्री में खाना खिला देते हैं। लेकिन 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 रुको जरा, सब्र करो। वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
तो बस अब ये भी देख लो। खाना नहीं है, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। ये में डालो, खाना नहीं है। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं यार? अरे नाराज क्यों हो रहे हो मनोज भाई यार? यार ये माना नहीं ना यार, पिटके मानेगा। तो देखा आपने मनोज भाई ने क्या बोला कि ये माना नहीं, आज पिटके ही मानेगा। वैसे हमारे मनोज भाई बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आप सबको लगता है कि मनोज भाई बस साइकिल पे आते हैं और खाना बेचकर चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कड़ी मेहनत है उसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। मनोज भाई साइकिल पर खाना लाने से पहले खाने की प्रिपरेशन में कई घंटों तक घर पर मेहनत करते हैं। खैर मेरा काम आपको बताना था, बाकी आप खुद समझदार हैं। और अब लास्ट नंबर 5 पर है भारत के सबसे बड़े सड़क छा फूड सेलरों के सेलर डोली चाय वाला। लोग इनकी चाय को झूठी चाय भी बोलते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि डोली भाई अपनी जीभ को दूध से टच करके दूध को चाय में डालते हैं। पास ही कैसे, वो सामने से लेगा तो दिखता है, वो मुंह लगते हुए कभी बैक साइड से लेना, मुझे थोड़ा बाद में लेना। तो 3 बार बताया मैं कि बैक साइड से लेना पड़ेगा, वो दूध वाला नहीं मांगा, सामने से लेंगे अभी लगेगा कि नहीं। वीडियो बनाने आए ऐसे मेरे काम का मजा नहीं आता। हाँ मामा बराबर ही गलत है, वीडियो बना रहा है अच्छे से, वीडियो बना। इनकी लेजेंडरी का क्रेज सोशल मीडिया पर इतना छाया कि दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट को भी इनकी चाय की टपरी पर खींच लाया। One chai, please. देखा, बिल गेट को बस एक कप चाय पिलाई और बदले में इस छपरी को चमचमाती लाल लेम्बोर्गिनी मिल गई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बिल गेट को बस एक कप चाय की तलब लगी तो उसने चाय वाले को एक कप चाय के बदले लेम्बोर्गिनी दे दी, और कहीं अगर गलती से बिल गेट को खाने की भूख लग जाती तो पैसा ही पैसा होगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो एक बार इन सब का ओवरऑल एनिमेशन भी देख लीजिए, क्योंकि जिसने भी ये एनिमेशन बनाया है फैक्ट्स एक्स ब्रो की तरफ से, उन्हें 21 तोपों की सलामी। दो बटा पाव कितना टाइम लगेगा दीदी? मेरा हाथ तो रुका नहीं कि मैं टेबल पे तो बैठी नहीं, पर मैंने तो औरतों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। सॉरी दीदी। अंकल जी इन कचौड़ियों में तो बहुत ही ज्यादा तेल है। सॉरी कुल्ला पिज्जा होगा क्या भाभी? तवे पर बनने में 2 से 3 मिनट। ठीक है फिर 5 मिनट तक अपने बारे में कुछ बताओ। मुझे नहीं पता था कि इंटरनेट से ऐसे परी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है फिर डाउनलोड का लिंक हमें भी दे दो। दीदी एक बड़ा पाव लगाना प्लीज, बहुत ज्यादा भूख लगी है। मदर का सरने में और गेरा हस्बैंड का सरने में 1.5 साल से बड़ा पाव कार्ड लगा रही हूँ। दीदी दीदी 15 मिनट्स लेटर। अच्छा एक बड़ा ही दे दो यार, पाव ही दे दो। One hour later. ऑथेंटिक मेरा शॉप का नाम है ऑथेंटिक बड़ा पाव, मेरे कस्टमर्स कहते हैं चटनी खिला दो यार। बाबा अच्छा सा कुछ खिला दो, मैंने तो आपका वायरल वीडियो देखा था। नहीं उठा, मेरा भाई है वो। अच्छा वो आपका भाई था, फिर आप कहाँ थे उस टाइम पे? अंधेरे में मरा था। अबे साले भाई एक चाय लगा दो। ओह सॉरी मैं तो हर्बल टी स्टार्ट किया हूँ। दादा वो कचौड़ी बात मत करो, पर कचौड़ी दे दो यार। यहाँ तो खड़ा नहीं होने देंगे। भाई एक प्लेट कितना का है? यूट्यूबर के लिए तो 2000 रुपए। अरे नहीं नहीं मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो टिकटॉकर हूँ। मेरे को तो पता भी नहीं यूट्यूब क्या होता है। नहीं 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 भैया एक ग्लास चाय रहने दो भैया। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल फैक्ट्स एक्स ब्रो को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।